इसको लेकर क्या काम रहे और क्यों ऐसा हुआ और जो अविश्वास आया है उसे किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा? जो एक षड्यंत्र के तहत चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास लाया गया है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो यहाँ से विधायक है उसका है, कमलेश डांडा का। वो विकास, जो शहर में विकास हो रहा था वो उसको देख के राजी नहीं थी। रजनी राणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पिछले कार्यकाल में उन्होंने कुर्सी संभाली थी, लेकिन कमलेश डांडा ने एक षड्यंत्र के तहत रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करवा दिया है। किस प्रकार का षड्यंत्र प्रधान जी, किस प्रकार का षड्यंत्र था, कैसे हुआ षड्यंत्र? जो ये शहर है, रजनी राणा ने इस शहर में पूरा विकास करवाया, असमान विकास करवाया, तभी इस शहर ने 5000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट में ज़्यादा उसको दी थी, लेकिन उसने उसको भी पीछे छोड़कर रजनी राणा के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत अविश्वास प्रस्ताव पास करवा दिया। 2 करोड़ की फंडिंग का मामला भी सामने आया, ये क्या मामला था और आपके लेवल पर कहां तक? विधायक द्वारा सारे शामदाम दंडवेद अपनाए गए, तभी मैं इसको कहूंगा उनको, चलो कोई बात नहीं, अभी जीत हासिल नहीं हुई है, चेयरमैन तो आगे बढ़ना है, उसमें तो रजनी राणा का भी वोट है, जो मेरे पार्षद साथी हैं विक्रम राणा, नीरज राणा, सुनीत अधिमान, उनको भी वोट करना है, ये तो लड़ाई अभी लंबी है। लेकिन उसने जो आज किया इस शहर के लिए वो ठीक नहीं हुआ। विकास पर कितना इसका असर पड़ेगा, जो चेयरपर्सन का पद रिक्त हो गया है तो विकास कार्यों पर क्या असर आएगा? विकास तो बिल्कुल रुक जाएंगे, अब कहाँ विकास, देख ये अब आगे आने वाली है तस्वीर, अब कोई भी विकास कुछ कुछ नहीं, सब अपने घर बनाने के लिए बाजे फिर रहे हैं। अभी तक आपने कौन से विकास कार्य ऐसे करवाए जो नजर आते हैं? शहर में कोई भी गली कच्ची नहीं है, जो नगर पालिका की बिल्डिंग है, 2 समुदाय केंद्र बन चुके हैं, 2 बड़े पार्क बन चुके हैं, कम से कम 20 करोड़ रुपया के काम रजनी राणा ने, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सौगात दी थी, वो रजनी राणा के कलम से पास हो चुके हैं। लेकिन जब से ये विधायक बनी है इसने ना तो कोई यहाँ ग्रांट दी, इसकी मन से नहीं है शहर में कोई भाई यहाँ कोई काम हो। तो लोगों से अपील क्या रहेगी जी? लोगों से हमारी यही अपील है, हमने इस विधायक को बनाया है वोट देके, लेकिन इसने हमको नहीं बनाया था, जो इसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। पार्षद को संभालने में कामयाब क्यों नहीं रह पाया? पार्षद ने अपना वो पार्षद इस विधायक की देखरेख में 1.5 महीने से दो महीने से बाहर थे, और वो इन्होंने अपनी कोठी पे भी रखे, MLA हॉस्टल में भी रखे, उनसे फोन भी बंद करवा के रखे, इसलिए हम किसी पार्षद से मिलने में कामयाब नहीं हो पाए, हम किसी न किसी को मना भी लेंदे। आज का परिणाम क्या रहा है? ये फैसला है, लोकतंत्र है, ये सिर माथे है, जो भी मेरे कहने का मतलब कितनी वोटें आपके पक्ष में है? रजनी राणा के पक्ष में 4 वोटें आई हैं, वे अविश्वास के पक्ष में 9 वोट उनको मिली है। राणा अभी पार्षद हैं वार्ड 2 से, और जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन के सहयोगी आप पार्षद रहे हैं जी, तो अंदर क्या प्रक्रिया चली और किस तरह का जो ये अविश्वास था इसको लेकर आप क्या संतुष्ट हैं कि जिस प्रकार का रवैया वहाँ देखने को मिला और जो इसके आउटपुट आएंगे, क्या कहेंगे आप इस अविश्वास को लेकर? देखिए, सबसे तो पहले आपके माध्यम से मैं सभी जो शहरवासी हैं उनको मेरी राम राम। और जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जो अंदर की प्रक्रिया थी, तो मैं बता देना चाहता हूँ अंदर की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है, जो चुनाव हुआ है संपन्न हुआ है। लेकिन आउटपुट की अगर बात की जाए, देखिए हमारे जो कार्यकाल में आदरणीय रजनी राणा जी के नेतृत्व में शहर में कम से कम ये जो 20 करोड़ रुपए के आसपास जो प्रोजेक्ट थे वो बड़े ही पारदर्शी तरीके से वो पूरे हुए हैं और अभी चल भी रहे हैं। लेकिन काफ़ी मैं मायूस हूँ, देखिए जो BJP की सरकार में जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो पहले फंडिंग यहाँ पर फंड दिया था, ये अराउंड 20 करोड़ के आसपास था, उसके बाद में जैसे कि अब हमारे विधायक जी आए हैं, देखिए उनके कार्यकाल में अभी तक कोई ग्रांट हमें नहीं मिली, और आपसी खींचातान की वजह से, या यूँ कहें कि कुछ पार्षद हमारे अंडर प्रेशर की पीछे से पार्टी, जो हमारे विधायक जी का भी अभी पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र राणा जी ने बताया, सॉरी चेयरमैन प्रतिनिधि, कि ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ये जायज़ है बात, उन्होंने बिल्कुल अंडर प्रेशर किया, कुछ हमारे पार्षद भाई थे उनका हमारे साथ पहले से भी अच्छा काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं पूर्व में, ऐसी कोई बात नहीं थी। कि अभी आउटपुट में आप देख लेना कि जैसे कि वो बता रहे हैं कि इनका तो 4+5 ये अभी प्रेजेंटली दिख रहा है कि उनका गठबंधन है,
लेकिन वास्तव में अगर जनता देखेगी ऐसा कोई उनका औचित्य नहीं है, कोई उनका ये नहीं है कि उनकी मन की भावना ये मंशा कि वो शहर के विकास को प्रेफरेंस दे। ये विकास था, ये ओनली उनकी मंशा थी कि जो महिला जो चेयरपर्सन थी उनको जैसे कैसे करके साम दाम दंड भेद बना के उनको कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन काफ़ी अच्छे काम चल रहे थे मेरे वार्ड में भी, इवन मैं भी अलग जो पार्टी से मैं पार्षद हूँ अभी एट प्रेजेंट, मेरे वार्ड में भी रजनी राणा जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छे अच्छे काम हुए हैं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट। जो चेयरमैन को मुख्यमंत्री ने कुर्सी दी थी जी, तो अब उसको छीन क्यों लिया गया, कौन कौन उस षड्यंत्र में शामिल है? देखिए षड्यंत्र में तो ये जग जाहिर है, शहर की जनता अच्छी तरीके से जानती है। जब देखिए इलेक्शन का टाइम था, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छे वोट्स मिले हैं और जितनी भी जनता है ये कोई जातीय समीकरण नहीं है कि जातीय समीकरण की भावना से कोई ऐसा कोई कार्य हो गया कि उनकी कुर्सी को हटा दिया गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर विधायक का, यहाँ से जो विधायक है उनका हाथ रजनी राणा जी के सर पे होता तो आज ये ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा जाता और इनके कार्यकाल में कोई भी एक पैसे का आरोप इनके ऊपर नहीं है। और जो भी मैं आगे मेरी यही अपील रहेगी सरकार से कि विकास चाहिए, अगर विकास होता है तो वो सर माथे है, अगर नहीं विकास होता तो ये विनाश की ओर तो अभी ये अग्रसर है ही हैं कि जो ये इन्होंने आज ये प्रोपगेंडा बनाया। जो हरियाणा प्रदेश की बात है, अगर यहाँ कलायत की बात की जाए, 360 मुराद का यहाँ चलता है जी, और क्षत्रिय समाज का यहाँ छत्तीस जाति के साथ सौहार्ष मन रहे जी, तो हरियाणा में आपका प्रतिनिधित्व क्या है नगर पालिकाओं में? हरियाणा की नगर पालिकाओं में राजपूत बिरादरी से कितने लोग चेयरपर्सन या प्रधान पद के पद पर हैं? जी देखिए अभी कुल मिला के पूरे हरियाणा में जो राजपूत प्रतिनिधि की बात आती है, ये प्रतिनिधित्व केवल दो ही हमारे जो चेयरपर्सन थी, एक राजन सिंह आदनी गुड्डी राणा जी, अभी उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और एक ये कलायत से श्रीमती रजनी राणा जी। आज के समय में हमारा पूरा हरियाणा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। ये सरकार अगर चाहती, अगर समान अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व देना चाहती थी तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें इसको रोकने में, मतलब जनता का विकास कराने में कहीं ना कहीं सरकार भी भागीदारी बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।